हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। आज हम लाए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। हमारा पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल में भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल, डी कोई मेडल नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल में भारत की टीम, महिलाओं की टीम ने जो है 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। एशियाई खेल 2022 जो है 2023 में आयोजित किया गया है, जो कि आयोजन तिथि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मेजबान शहर जो है हांगो चीन में है और इसका शुभंकर चेन चेन, कांगकांग और लियान लियन, और यानी कि ये तीनों रोबोट हैं। और भारतीय दल 655 सदस्य इसमें हैं। और ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये ध्वजवाहक के रूप में। अगला हमारा, और पहले एशियाई गेम का जो आयोजन हुआ था पहली बार 1991 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य जो था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना इसका उद्देश्य था, जिसे नई दिल्ली में उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, किस देश की 10% से अधिक आबादी अब 80 या उससे अधिक उम्र की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी यूक्रेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। जापान की आबादी जो है 10% से अधिक आबादी 80 या उससे अधिक उम्र की हो गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जापान की 10% से अधिक आबादी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है। जापान 1.3 की प्रजनन दर के साथ घटती जनसंख्या का सामना कर रहा है। पिछले एक दशक से अधिक समय से मृत्यु की संख्या जन्मों से अधिक हो गई है। यह समस्या 1980 के दशक के आर्थिक उछाल के बाद से बनी हुई है, यानी कि 1980 के जो है दशक में आर्थिक उछाल के कारण जो है तब से लगातार उनकी जापान की जनसंख्या घटती जा रही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 75%, डी 55%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 55% जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांव को खुले शौच में से जो मुक्त हो गए हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं और 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% गाँव को ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 2024 से 2025 तक देश के सभी गांवों में 100% स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने यह कहा है। आगे हमारा है प्रश्न 5, केंद्र सरकार ने फसल अनुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणपोल ऐप, बी PM किसान ऐप, सी अभिनव ऐप, डी मेरी लाइफ ऐप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अभिनव ऐप को केंद्र सरकार ने फसल अनुमान के लिए लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने फसल अनुमान के लिए अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCS के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, लखनऊ में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला
2023 में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया जाएगा और 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट होगी। एक दिवसीय पुस्तक महोत्सव में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, बच्चों के कार्यक्रम जैसे शामिल होंगे इसमें। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 7, भारत में हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 24 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 22 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। 25 सितंबर को भारत में हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसे मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस का अर्थ है गरीब लोगों का उत्थान। यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है 2014 में की गई थी और उद्देश्य जो इसका है भारत के गरीब और पिछड़े लोगों के विकास की ओर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। उनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था, तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, किस राज्य के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्य में जो है दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। आमतौर पर इसे समुद्री रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। इसे पार्टी गोल्ट्रिगला इंटरमेडिका नामक जो है नाम दिया गया है इस मछली को। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 9, भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन किस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नोबल पुरस्कार, बी बुकर पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी पुलित्ज़र पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, बुकर पुरस्कार के लिए जो है बुकर पुरस्कार की भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास जो है वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चेतना मारू का उपन्यास अंतिम 6 उपन्यासों में शामिल हुआ है। पुरस्कार की घोषणा 26 नवंबर को होनी है और भारतीय मूल के लेखक मारू का जन्म केन्या में हुआ था और वर्तमान में वह लंदन ब्रिटेन में रहती हैं। बुकर पुरस्कार 2022 सोहान कौड़ा तिलका श्रीलंका को मिल दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, इंडिया रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 6.2%, बी 8.5%, सी 9.0%, सी डी 7.4%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 6.2% जो है इंडिया रेटिंग ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर 6.2% कर दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इंडिया रेटिंग रिसर्च ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के GDP ग्रोथ रेट अनुमान में कटौती की है। ADB ने वित्त वर्ष 2022-23 में FY 2023 के लिए इसे घटाकर 6.3% कर दिया है। तो आज का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।